हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके आपके पास परमानेंट कनेर का प्लांट नहीं है तो नर्सरी जाके आप वो प्लांट ले सकते हैं। तो हम बताते हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे। अगर आपके पास कनेर का प्लांट है और उस पर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या ऐसी चीज़ का उपयोग करेंगे। आपके प्लांट में बहुत भर भर के फूल आए तो गर्मी आ रही है तो दोनों टाइम आपको पानी ज़रूर देना है, और पानी देंगे तभी आपके प्लांट में पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और पौधे हरे भरे रहेंगे। तो आपके कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने कनेर में आप उनके जड़ों के आसपास आप पौधों की गुड़ाई में डाल सकते हैं। तो आप कनेर परमानेंट प्लांट है, उसमें सभी जाड़े को छोड़कर सभी मौसम में भर भर के फूल आते हैं। अगर उसकी केयर बहुत अच्छे से कर ली जाए तो आप जड़ों पौधों में दोनों टाइम पानी देना है, और अच्छे फर्टिलाइज़र के लिए आप पौधों के आसपास गुड़ाई कीजिए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा, आप ये देखिए फिटकरी है, ये बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, और आपके पौधों में पानी के साथ आप उसको डाल दीजिए घोल करके। और पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो फ्लावर के लिए आप उसमें चाय पत्ती, आप रखी हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं सुखा के, या फिर ऐसे ही चाय पत्ती आप बिना इस्तेमाल की हुई है वो भी आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी होगी। तो मैंने इसमें चाय पत्ती डाली थी और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट खाद रखी थी तो वो मैंने डाल दी थी, तभी इसमें प्लांट में ये भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आपके प्लांट में ऐसे फ्लावर्स खिलने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या चाय पत्ती या सीवेट, कोई सा भी फर्टिलाइज़र है तो फिटकरी के साथ ये आप फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं और आपके कनेर में बहुत भर भर के फूल आने लगेंगे। और गर्मी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है क्योंकि गर्मी हो गई है तो पौधे की कंडीशन देखिए सूखने लगते हैं, और जो सूखे हुए फूल हैं उनको आप हटाते रहिए, सूखे हुए पत्ते हटाते रहिए जो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। और इस तरीके से मेरे प्लांट में कनेर में देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये पिंक वाला कनेर है, ये देखिए मैंने इसमें चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट ही डाला है, और थोड़ा सा नीम खली भी मैंने यूज़ किया है। आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं, फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और सीवेट कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो चाय पत्ती बहुत ज़्यादा असर दिखाता है क्योंकि ये फ्री की चाय पत्ती आपको घर में ही किचन में ही मिल जाएगी। और तो इस तरीके से मेरे सारे कनेर के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और ये देखिए कलियां भी बन गई हैं। तो मैं चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, और मैं आपको पीला कनेर भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप पौधों की देखभाल कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपके गार्डन में खिलेंगे, और देखिए रोज़ भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और कलियाँ भी बनी हुई हैं ये देखिए। और इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पीला कनेर, ये देखिए ये चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट का ही कमाल है। और इस तरीके से ये देखिए आपके भी गार्डन में ये वाला फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कीजिए तो बहुत भर भर के फ्लावरिंग आएंगे। और इस समय फ्लावर का टाइम हो गया है कनेर में, ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, ये देखिए सब कनेर के हैं। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में कनेर लगाइए, इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप ये जो हमने खाद बताई है वो आप डालेंगे ज़रूर, और नीम खली आप डाल सकते हैं साथ में, और
फिटकरी आपका यूज कर सकते हैं। बस छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा चाहिए। गुड़ाई करने के बाद लिक्विड बना के डाल दें या फिर ऐसे ही छोटा टुकड़ा डालें, उसके बाद पानी ज़रूर डालें। आप खाद जब भी आप डालें तो खाद के बाद पानी ज़रूर दें, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और खाद सूखी नहीं देनी है। खाद देने के बाद प्लांट को पानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी से मुरझा जाएंगे और ज़्यादा खाद पाने से भी प्लांट सूख जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना गार्डन में जो प्लांट हैं उनको आप केयर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।